टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 16,000। तो भाई अगर आपका बजट 60,000 है, 60,000 के बजट में आप एक फुल लोडेड स्मार्टफोन चाहते हो जिसपे आपने गेमिंग भी करनी है, मल्टीटास्किंग भी करनी है, डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, लॉन्ग बैटरी चाहिए, उसके साथ साथ भाई आपको तगड़ा कैमरा चाहिए, तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन रॉबिन ऑजला, वेलकम टू ऑजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना, मैंने से वीडियो करता हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ। नंबर 5 पर यार मैंने रखा OnePlus 8 Pro को। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बंदे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं ना, उनके पास आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, उसका एक रीज़न है, बिकॉज आपको एक स्टाइलिश प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो भी बैक कैमरे में, एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ है। तो भाई अगर आपने जाना है OnePlus 8 Pro की ओर, आप जा सकते हो। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया, 4.5 रेटिंग इसको देखने को मिल जाती है, Amazon टैग वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने इसको चेकआउट करना है, आप चेकआउट भी कर सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड किया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.78 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले इसका सच में बहुत तगड़ा है, 120 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने गेमिंग भी करनी है, आप नॉर्मली कर सकते हो, आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 4510mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ, आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 16MP की सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 52,000 के बजट में OnePlus 8 Pro देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, स्मार्टफोन ये भी आपको पूरा तगड़ा मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने स्मार्टफोन को चेकआउट करना है तो भाई आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के कलर हो गया, फ़ोन का डिज़ाइन हो गया, सच में बहुत सूट करता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ यार, नंबर 4 पर मैंने रखा है सैमसंग गलेक्सी S20 FE को। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको 45,000 के बजट में नॉर्मली मिल जाएगा, उससे मतलब कम प्राइस में ही आपको देखने को मिल जाता है। इसको इस बजट रेंज में एक रखने का रीज़न है, बिकॉज आपको प्रोसेसर डिज़ाइन डिस्प्ले भाई उसके साथ साथ आपको कैमरा बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आपके लिए तो परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस भाई अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, सिनेमैटिक शूट करना है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, प्लस अगर आपने नेटफ्लिक्स देखते हो, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो ना, तो भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिल जाता है, वो भी कम प्राइस में, जो कि बेस्ट डील हो सकती है। अगर आपका बजट कम है तो भाई आप जा सकते हो सैमसंग गलेक्सी S20 FE की, और पूरा लोडेड है, आपको बहुत पसंद आने वाला। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर, प्लस वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, उसके बाद आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP, जिसपे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक कैमरे में। फ्रंट कैमरे की बात करूँ, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गलेक्सी S20 FE के। तो भाई अगर मेरा बजट भी कम होता ना, तो भाई मैं जाता सैमसंग गलेक्सी S20 FE की, बिकॉज मुझे डिज़ाइन, मुझे कलर, डिस्प्ले, प्रोसेसर, उसके बाद भाई कैमरा सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर आपने यूट्यूब वीडियोज़ पे मतलब चेकआउट करनी है, वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हो, तो सर्च आउट कर लेना सैमसंग गलेक्सी S20 FE सिनेमैटिक शूट, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैमरा क्वालिटी कितनी तगड़ी मिलने वाली है। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ या नंबर 3 पर मैंने रखा है सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, इसका भी डिज़ाइन एंड इसके भी कलर, प्रोसेसर, डिस्प्ले हो गया, इसका भी कैमरा बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो भाई
अगर आप पे कर सकते हो 50,000 से लेके 55,000 रुपीज़ तो भाई आप इस स्मार्टफोन की ओर चल जाना। अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, किसी और स्मार्टफोन की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए, डिस्प्ले के अकॉर्डिंग फ़ोन चाहिए, प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, प्लस अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग फ़ोन चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की ओर चल जाना। प्लस भाई अगर आप 55,000 पे कर सकते हो तो भाई आपके लिए भी परफेक्ट हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.7 इंच डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 990 देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ भेज दिया, बहुत अगड़ा। अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है आप नॉर्मली इजीली कर सकोगे। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसपे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करूं आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्राइस की बात करूं आपको 48,999 के बजट में 8GB वेट मिलेगा। अगर आपने उसके अपर जाना है तो भाई जितने मतलब पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको 12GB रैम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने 12GB की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने 8GB की ओर जाना है आप जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के भी बता दिए। ये स्मार्टफोन भी आपको पूरा लोडेड मिल जाता है, कलर हो गया, डिज़ाइन हो गया, लुक वाइज मतलब पूरा लोडेड। अगर आपको व्लॉगिंग के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, अच्छा डिज़ाइन चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ या नंबर टू पर मैंने रखा है MI 11 को। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन नया लॉन्च हुआ, इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा, उसके बाद आपको डिज़ाइन और लुक वगैरह भी बहुत पसंद आने वाली है। मेन टॉपिक की बात करूँ तो इसका जो प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है। अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, जब कोई भी आपने हैवी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल करनी है, आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकता है। एक बार आप इसको चाउड कर लेना, आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन भी नहीं मिलता जो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको फ्रंट में 4K ऑप्शन चाहिए वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट बैक कैमरे में आपको 8K ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपके वीडियो रिकॉर्डिंग को, फोटोज़ को बहुत अपर तक लेकर चल जाते हैं। ये आप पर है कि आप स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.81 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाता है, मतलब 888 देखने को मिल जाता है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं आपको 2 वर्ड में देखने को मिलेगा 8GB 12GB जो भी आपके बजट में सेट बैठेगा आप उसके और चल जाना। प्लस 2 वर्ड में आपको स्टोरेज देखने को मिलता है, ठीक है, सॉरी 3 वर्ड में आपको स्टोरेज देखने को मिलता है 128GB प्लस 128GB प्लस 256GB, ठीक है। बैटरी की बात करूँ आपको 4600mAh की बैटरी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, प्लस आपको 55 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 108 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करूँ आपको 20 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI 11 के भी, अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना ये स्मार्टफोन भी आपको तगड़ा मिल जाता है। लेकिन माइनस पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन नहीं मिलता, वैसे ओवरऑल देखा जाए ये स्मार्टफोन भी पूरा लोडेड मिल जाता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ या नंबर 1 पर ऑब्वियसली मैंने रखा iPhone 11 को। तो भाई अगर आपका बजट 60,000 है, 60,000 के बजट में आपको 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है वो आपको इजिली नॉर्मली मिल जाएगा। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना, मतलब अगर आपने 11 की ओर जाना आप जा सकते हो। आपको A32 चिपसेट देखने को मिल जाती है जो कि बहुत तगड़ी है, आपको तगड़ा कैमरा मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको बहुत तगड़ी मिल जाती है। उसके बाद माइनस पॉइंट की सीधी बात करते हैं, माइनस पॉइंट थोड़ी सी इसकी बैटरी देखने को मिलती है। तो भाई अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना है या अगर आपने गेमिंग करनी है ना तो आपकी बैटरी थोड़ी सी जल्दी खत्म हो जाएगी, और कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। इसके कलर बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना आप जा सकते हो, इसका भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं चाउड किया तो आप चाउड कर लेना, वैसे तो सभी लोगों ने देखा ही हुआ है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, डीपली थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच लिक्विड रेटिना या डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को 8/32 एक चिपसेट देखने को मिल जाता है, स्टोरेज की बातों को 4GB रैम मिल जाती है प्लस 64GB स्टोरेज, बैटरी की बात करूँ आपको 3110mAh की बैटरी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, कैमरे की बात करूँ आपको डुअल कैमरा मिल जाता है 12MP प्लस 12MP, सेल्फी की बात करूँ को 12MP सेल्फी मिल जाती है, प्राइस की बात करूँ जो 64GB स्टोरेज वेरियंट है वो आपको 50,000 के बजट में मिलेगा एंड जो 128GB स्टोरेज है वो आपको 57,000 से लेकर 58,000 के बजट तक देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको आईफोन 11 के भी बता दिया, तो भाई अगर आपने आईफोन 11 की ओर जाना है आप इसकी और भी जा सकते हो। अभी बात करते हैं इनमें से कौन सा लेना चाहिए, मतलब टॉप 5 में से कौन सा लेना चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है अगर आप एप्पल लवर हो तो आप तो जाने वाले हो आईफोन 11 की ओर। अगर आपको एप्पल से फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आप सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की ओर चल जाना, बिकॉज आपको सैमसंग का फोन मिल जाता है, नॉन चाइनीज फोन है, प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा है, 8K वीडियो ऑप्शन बैक कैमरे में मिल जाता है, फ्रंट कैमरे आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, कलर डिज़ाइन वगैरह भी आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं। मैं MI 11 की ओर इसीलिए नहीं कह रहा, उसमें प्रोसेसर बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है, बट आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन नहीं मिलता एंड ज़्यादातर देखा गया जो भी बंदा 30,000 से ऊपर पैसे पे करता है ना वो MI हो गया, पोको हो गया, ओप्पो हो गया, रेडमी हो गया, इन स्मार्टफोन की ओर नहीं जाना पसंद करता। अगर आप भी उनमें से हो तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस परफेक्ट डील हो सकती है, प्लस भी अगर आप ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते सैमसंग गैलेक्सी S20 FE आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है, बैक कैमरे में 8K ऑप्शन, फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन, प्लस प्रोसेसर भी तगड़ा, डिस्प्ले डिज़ाइन कलर वगैरह भी आपको अपर मिल जाते हैं, आप उसकी ओर जा सकते हो। तो यार मैंने आपको जो दिमाग में चल रहा था उसको क्लियर कर दिया, अगर आपका बजट कम है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE प्लस परफेक्ट डील हो सकता है, अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, प्लस अगर आपको एप्पल का ही फ़ोन चाहिए तो आईफोन 11 तो आपके लिए बना ही है यार। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना, फॉलो वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।